आखिरकार अल्ट्रॉन तो वापस आ ही गया। अब हमें पूरे के पूरे यूनिवर्स में हमारा टंका चाहिए। ठीक है अल्ट्रॉन, जाओ अपनी सेना लेके, और इस बार मुझे नाकामयाब अगर हासिल हुई तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालूंगा। जा और पूरा का पूरा ब्रह्मांड में अपना राज फैला दे, अवेंजर्स तुझे रोकने ना आने पाए। जा जल्दी। ओके सर, इस बार तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस और सारे के सारे अवेंजर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा ठीक करके मेरा एलिमेंटल सूट पाने में मेरी मदद करी। कोई बात नहीं, जा और खत्म कर दे सबको। हाँ सर, अभी जाता हूँ और सबकी बैंड बजा के पूरा लॉस सैंटोस अपनी मुट्ठी में पेच डालता हूँ। जा और मेरे को इस बार अच्छी खबर चाहिए, किसी को मत छोड़ियो। अब पूरा लॉस सैंटोस मेरी हुकूमत करेगा। सर बिल्कुल सही बोला आपने, अभी मेरी आर्मी रेडी है, मैं जाता हूँ लॉस सैंटोस। हाँ जा जल्दी और खत्म कर सबको। हाँ सर, अभी जाता हूँ। अब तो हमारे से कोई नहीं बचेगा, अब मेरे पास मेरा एलिमेंटल सूट जो आ चुका है। चलो फटाफट चलते हैं और पूरा लॉस सैंटोस खत्म कर देते हैं। ओ यार फेंक भी है, प्लीज दिला दो यार, प्लीज दिला दो। अबे मैंने शिनचैन एक बार मना कर दिया ना, बार बार बोलने से कुछ होगा नहीं। जा तू यार अपना कुछ और खेल ले यार, मैं नहीं दिला रहा। ओ यार फेंक भी है, प्लीज दिला दो यार। अब कल वे दिला देना, अबे क्या कर रहा है बे। अबे मैंने मना कर दिया ना चोपर शिनचैन, गाइस यार मैं नहीं दिलाऊंगा इनको। ओ यार फेंक भी है, प्लीज दिला दो यार, तुम मेरे भाई नहीं हो क्या। गाइस यार बोलो ना फ्रैंकलिन भैया को। अबे नहीं शिनचैन मैं नहीं उतरा, भाई भाई चल निकल ले यहां से। गाइस यार जब देखो जब यार कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। अब कल वे प्लीज दिला दे बे, उसकी फुटबॉल खो गई तो दिलाएगा नहीं। अबे यार गाइस पता है आज क्या हुआ, इन लोगों को मैंने बिल्कुल ही कल परसों एक नई फुटबॉल दिलाई थी और ये दोनों के दोनों ना उसको पार्क में छोड़ के आ गए। और यार जब वो वापस जाके गए ना हम तो वहाँ पे वो फुटबॉल थी नहीं, इन्होंने यार सुबह सुबह 700 रुपए का नुकसान करा दिया। ओ यार फेंक बे तो क्या हो गया यार, और यार एक और बार दिला दो ना, अब मैं खोऊंगा नहीं यार, प्लीज यार प्लीज। अबे अकल वे दिला दे बे, तू भाई नहीं है क्या हमारा। गाइस यार बोलो ना इसको। ओ यार प्लीज यार प्लीज, फ्रैंकलिन भैया मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ यार, एक लास्ट बार फुटबॉल दिला दो। अबे मैंने शिनचैन नहीं यार मैं नहीं दिलाऊंगा। गाइस यार पिछली बार भी दिलाई थी फिर खो देंगे ये लोग, इस बार मैं नहीं दिलाऊंगा। यार फेंक बे दिलाओ ना यार। अबे यार गाइस ये लोग ना मानेंगे नहीं, जब तक मैं इनको फुटबॉल नहीं दिलाऊंगा ना ये लोग मेरा सर ही खाते रहेंगे। गाइस आप लोग कब फटाफट कमेंट्स में जाके बताओ इनको नई फुटबॉल दिलानी चाहिए या फिर नहीं, अगर हाँ ना तो फिर कमेंट्स में जाके यस लिख दो। यार हाँ गाइस यार यस लिख दो यार, प्लीज यार प्लीज। अब कल वे दिला दे बे, इतना मत गुरूर खा बे। अबे यार गाइस लगता है अब जब तक मैं इनको फुटबॉल दिलाऊंगा नहीं ना ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। गाइस क्या करूं, दिला दूं क्या। यार हाँ गाइस बोलो ना यार, दिला दो। अबे यार चल ठीक है शिनचैन, लास्ट बार दिला रहा हूँ, अगर तूने दोबारा अपनी फुटबॉल कहीं खो दी ना तो मैं आगे से कुछ नहीं दिलाऊंगा तेरे को। यार ठीक है चलो चले। अब कल वे तू तो बेस्ट है बे। अबे हाँ तू तो बोलेगा ही ना बेस्ट हूँ। चलो गाइस यार अभी फटाफट चलते हैं। अरे यार आगे से रास्ता तो बंद नहीं है ना, एक बार जाके देखते हैं। अब कल वे चलना यार, दिला दे बे। अबे हाँ हाँ चल तो रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो गाइस यार अभी फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट इसको नई फुटबॉल दिला के आते हैं। अबे यार अब ये किसका कॉल है, हैं टोनी। अबे इसको क्या काम पड़ गया। हाँ भाई टोनी बोल क्या हुआ। अरे फ्रैंकलिन कहाँ पे हो तुम। अबे यार मैं तो घर पे था अपने, बोलना हुआ क्या। अरे कहाँ जा रहे हो, फटाफट अवेंजर्स टावर आओ। क्या अवेंजर्स टावर। अबे मैं तो शिनचैन को फुटबॉल दिलाने जा रहा था। अरे वो फुटबॉल गई तुम्हारी भाड़ में, फटाफट आओ, पूरा लॉस सैंटोस खतरे में है, जल्दी आओ। क्या लॉस सैंटोस खतरे में है एक बार फिर। हाँ जल्दी आओ जल्दी। अच्छा चल ठीक है आता हूँ। अबे भाई शिनचैन टोनी का कॉल आया था और वो अपने मेंशन पे बुला रहे हमें। यार फेक बे क्या बात कर रहे हो यार। अबे कल वो झूठ तो मत बोल। अबे झूठ नहीं बोल रहा यार मैं, ये ले तेरी स्पीकर पे बात कर रहा हूँ क्या। एक सेकंड रुको, फोन उठा फोन उठा। अबे यार ये टोनी का बच्चा तो फोन ही नहीं उठा रहा। यार फेक बे झूठ बोल रहे हो ना तुम। अबे मैं झूठ नहीं बोल रहा, गाइस कमेंट्स में जाके बताओ यार मैं झूठ नहीं बोल रहा। बैठ जल्दी हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। यार चलो चलो फटाफट चले। अब कल वे चल बे चल। अबे हाँ हाँ चलो चलो चलो। गाइस यार अभी हम सारे के सारे गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, पता नहीं यार ये टोनी को एकदम से क्या काम पड़ गया। वो तो गाइस फोन पे कह रहा था कि पता नहीं लॉस सैंटोस में फिर से कोई खतरा आ गया है। यार फेक बे कैफे चला रहे हो। अरे कैफे चला रहे बेवकूफ। अरे आंटी जी आप ही रोक लो ना थोड़ी देर, चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो। चलो गाइस यार अभी फटाफट चलते हैं और जल्दी से यार जाके ना पता लगाते हैं कि आखिरकार टोनी को हमारे से मदद क्या चाहिए। वो तो गाइस पहले आयरन मैन है, उसको क्या मदद ही चाहिए होगी।
यहाँ पे एक बार सही कह रहे हो। अब कलवे चलते रहे आराम आराम से। अब हाँ हाँ चल रहे हैं लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार बात क्या है। यार फेंक बे, इसको हुआ क्या एकदम से यार, मेरी फुटबॉल की कैंसिल हो गई। अबे यार शिनचैन रुक जा, यही बोल रहा था कि फटाफट आओ। चलो गाइस यार अभी फटाफट चलते हैं और जल्दी से बात करते हैं कि इससे आखिरकार हुआ क्या है। आइयो शिनचैन फटाफट अंदर। यार फेंक बे आ रहा हूं यार। अबे हाँ आजा आजा। अरे बाप रे गाइस, यहाँ पे तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अबे वही टोनी ले मैं आ गया, बोलना क्या हुआ तेरे को, और अब तू काम कर रहा है, अबे बोलना हुआ क्या। अरे फ्रैंकलिन बस एक मिनट रुको, मेरे को बस ये वाला सर्वर सेट करने दो, बस एक बार ये सर्वर सेट हो जाएगा उसके बाद हमारी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी। रुक जाओ, अल्ट्रॉन ने सारे सर्वर हैक कर लिए हैं। अरे क्या, अल्ट्रॉन ने सारे सर्वर हैक कर लिए हैं? अबे क्या बोल रहा है शिनचैन, ये फेंक बे लगते ये पागल हो गया है। अबे मेरी बात सुन, अबे तूने ही हमारे को यहाँ पे बुलाया क्यों है, पता है हम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। यार हम अपनी फुटबॉल छोड़ के आ गए। अबे हाँ, अबे अब तू सुन नहीं रहा, ओए सुन ना टोनी। अरे हाँ फ्रैंकलिन बस एक मिनट रुको, बस चलो आखिरकार ये सर्वर भी सेट हो चुका। तुम्हें पता है अल्ट्रॉन वापिस आ चुका है और इस बार उसकी शक्तियाँ पता नहीं किसने बढ़ा दी हैं, वो उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा मायावी हो गई हैं। पता नहीं वो लॉस सैंटोस में अब क्या करके मानेगा। क्या मायावी शक्तियाँ हो गई हैं? अबे लेकिन पिछली बार तो हमने उसको बहुत ही गंदा हरा के भगा दिया था ना लॉस सैंटोस से, इस बार कहाँ से आ गया वो? अरे मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है इस काम में उसका थानोस ने साथ दिया होगा। थानोस ही है वो जिसने उसको जिंदा किया होगा। क्या थानोस? अबे तो थानोस तो अब लॉस सैंटोस में आ ही नहीं सकता ना, हमने तो उसको भगा दिया था। हाँ वही तो, मैं भी समझ नहीं पा रहा, पता नहीं उसने ऐसे कैसे कर लिया, उसने मेरी सारी की सारी शील्ड्स कैसे तोड़ दी, मेरे सारे सर्वर हैक भी कर लिए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। ये देखो मैं टीवी ऑन करता हूँ, अभी फटाफट से देखो। अबे क्या टीवी ऑन? हाँ कर। गाइस यार चलो अभी टीवी में देखते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। जरूरी सूचना, लॉस सैंटोस में आ चुका है अल्ट्रॉन और उसके आते के साथ ही उसकी आर्मी भी आ चुकी है और अब वो मिलकर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को मिटाने में लग चुके हैं। उन्होंने अभी तक सैकड़ों पुलिस वालों की जान ले ली है, उनके आगे जो भी आता है वो उसकी बैंड बजा देते हैं। अवेंजर्स में उतना दम नहीं कि वो इसकी बैंड बजा पाए क्योंकि उसके पास तीनों एलिमेंटल की शक्तियां आ चुकी हैं। उसके पास आइस की, वाटर की और अर्थ की शक्तियां मिलके वो एक एलिमेंटल अल्ट्रॉन बच चुका है। पता नहीं अब क्या होगा, लगता है वो पूरे लॉस सैंटोस को एक साथ ही मिटा डालेगा। जरूरी सूचना, कृपया करके अपने घरों में रहिए और घरों से बाहर ना निकलिए। आप ये क्या न्यूज आ रही है शिनचैन? ये फेंक बे, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है। अरे बाप रे गाइस, अल्ट्रॉन एक एलिमेंटल अल्ट्रॉन के अंदर तब्दील हो चुका है और यार एलिमेंटल अल्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है ना चोप? अबे कलवे सही कह रहे, वो तो बहुत ही खतरनाक होता है बे। यार फेंक बे अब क्या करे यार, अब हम उसको रोकेंगे कैसे, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, और हमारे पास तो कोई सूट भी नहीं है उससे लड़ने के लिए। अबे हाँ वही तो। अबे ओए टोनी जल्दी से मुझे अपने आयरन मैन के सूट देना, जाके मैं उसकी बैंड बजा पाऊँ और उसको लॉस सैंटोस की तबाही मचाने से रोक पाऊँ। अबे क्या कर रहा है, कुछ बोलता नहीं है, साफ सुन गया क्या तेरे को? अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता है वो एक एलिमेंटल अल्ट्रॉन है, हम उससे बिना मेरे नॉर्मल सूट से नहीं लड़ पाएंगे, उससे लड़ने के लिए हमारे को एलिमेंटल सूट बनाने पड़ेंगे, वो भी मेरे नॉर्मल सूट नहीं हल्क बस्टर सूट। क्या हल्क बस्टर सूट? अबे मतलब अब हम उसे हल्क बस्टर सूट से हराएंगे? हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही सुना तुमने, हमें उसको हराने के लिए हल्क बस्टर सूट लगेंगे, जो कि अब तुम लेके आओगे मेरे एलिमेंटल हल्क बस्टर सूट, और उसके लिए जाने के लिए मैं ये सर्वर सेट कर रहा था, तुम रेडी हो ना मेरी हेल्प करने के लिए? अबे क्या, मैं तेरी मदद करूंगा? अबे पागल है, और ये कौन सी मशीन है? और यही तो है जिसकी मदद से तुम अलग अलग डायमेंशंस में जाके मेरा हल्क बस्टर एलिमेंटल सूट लेके आओगे। क्या अलग अलग डायमेंशंस में जाके लाने पड़ेंगे? अरे शिनचैन ये क्या बोल रहा है यार? यार फेंक बे मतलब अब तो तुम्हारी फाट लगने वाली है, जाओ यार जाओ और एक बार फिर लॉस सैंटोस को बचा लो यार, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो सारे लोग तुम्हें ओपी ओपी फ्रैंकलिन बोलेंगे, जाओ ना फ्रैंकलिन भैया जल्दी कर दो। अबे अंकल वे जाने की पूछ वाला काम है ये तो, जल्दी जाओ और फटाफट करके अबे सारे के सारे एलिमेंटल सूट लेके आ हल्क बस्टर वाले। अबे क्या मतलब तुम लोग भी कह रहे हो मैं जाऊं? जाओ यार जाओ। अच्छा ठीक है गाइस, अगर आप लोग चाहते हो ना मैं अल्ट्रॉन को पकड़ के उसको वापस लॉस सैंटोस से भगा दूं और यार हमारे हल्क बस्टर के सूट कलेक्ट कर लूं, तो फटाफट कमेंट्स में जाके यस लिख दो और यार हल्क बस्टर ओपी भी लिख देना। और फ्रैंकलिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट मशीन में जाओ। अबे हाँ हाँ जा रहा हूँ लेकिन यार मेरे साथ कुछ होगा तो
नहीं ना। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ तुम ये पहले भी कर चुके हो। मैं पहले कर तो चुका हूँ लेकिन यार उसमें रिस्क भी तो बहुत था। लो गाइस यार अभी मैं फाइनली मशीन में आ गया। अब ले भाई आ गया, अब क्या करना है। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, चलो मैं और शिनचैन चो तुम्हारा ख्याल रखेंगे बाद में, ठीक है ना। चलो तुम्हारी मशीन एक्टिवेट होने वाली है खाली 5 सेकंड में। क्या खाली 5 सेकंड में? अरे बाप रे गाइस क्या होने वाला है। ये फेंक दे भाई भाई यार। अरे बाप रे शिनचैन ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे शिनचैन चो ये कह रहा हूँ मैं। ये फेंक भाई ये कहाँ गिर गए। अरे बाप रे गाइस 1 सेकंड, ये कौन सी जगह है शिनचैन चौप? ये फेंक भाई मुझे क्या पता। अरे बाप रे गाइस मैं क्या बर्फ पे चल रहा हूँ क्या? ओ भाई साहब गाइस ये कौन सा डायमेंशन है। अरे हेलो टोनी आवाज आ रही है। हाँ फ्रैंकलिन आवाज तो आ रही है मुझे, मेरा काम करो फटाफट से। तुम्हें ये सामने क्रोकोडाइल आइलैंड दिख रहा है? क्रोकोडाइल आइलैंड? ओ बाप रे गाइस ये क्रोकोडाइल आइलैंड है क्या? अरे यार ये यहाँ पे बर्फ के बीच में क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन इसी के अंदर है हमारा आइस वाला हल्कबस्टर सूट। क्या हल्कबस्टर सूट इसके अंदर है? अरे एक मिनट रुको गाइस यार, मुझे ना एक बार पहले ना कहीं छुप के ना चली से ड्रोन से देखना पड़ेगा क्या आखिर गाइस यार यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ भाई साहब गाइस लुक एट दिस, मैंने तो ऐसा यूनिवर्स अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा जहाँ पे गाइस पूरी की पूरी बर्फ से ढका पड़ा है। एक सेकंड, अभी गाइस यार ऐसा करता हूँ जल्दी से ना वहाँ पे कुछ लकड़ियां पड़ी हैं फटाफट उनके पीछे जाकर छुप जाता हूँ और उसके बाद ना ड्रोन से देखते हैं कि आखिरकार गाइस यहाँ पे करना क्या है हमको। चलो यार अबे रुक जा। ऑलराइट गाइस और यहाँ पे छुप जाते हैं, लेट्स गो। अभी ये निकाला फोन मैंने और जल्दी से ड्रोन को लॉन्च करते हैं। ओ यार फेंक बे बहुत अच्छी है, ड्रोन को तो लॉन्च हो गया है। अबे हाँ ड्रोन तो हमारा लॉन्च हो गया है। ओ भाई साहब गाइस लुक एट दिस, ये सब क्या हो रहा है यार। ओ ये फेक भाई ये तो एक भाई यार आइलैंड लगता है पूरा का पूरा। ओ गाइस ये तो एक मायावी आइलैंड लगता है। अब बकल में अबे सही क्या रहा है। ये फेक भाई ये क्या है यार। अरे बाप रे गाइस ये तो एक क्रोकोडाइल के ऊपर एक आइलैंड बना हुआ है और यार ये इसके मुंह के अंदर क्या है। ओ भाई साहब इसके अंदर क्या करना है। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें इसी मुंह के अंदर जाके इसके सेकंड फ्लोर तक जाना है। क्या इसके अंदर जाके? एक मिनट रुको गाइस यार यहाँ पे एक और रास्ता है लेकिन यार यहाँ पे एक मिनट ये सब कौन है गाइस? ये फेक भी लगता है ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। क्या ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं क्या? ये तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा बदशाली लग रहे हैं यार और इनके हाथ में कैसा हाईटेक वेपन है। लगता है यार ये लोग ना उस सूट की रक्षा कर रहे हैं जो कि मेरे को यहाँ से चोरी करके जाना है। हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही सुना तुमने। ये फेक भी कैसे जाओगे? अबे रुक जा शिनचैन सूट कहाँ पे रखा है? भाई साहब गाइस अभी ना यहाँ पे ओए ये क्या गाइस और मैं जैसे सेकंड फ्लोर पे आया तो यहाँ पे भी बर्फ आ गई। ये फेंक में मतलब ये और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है यार। ओ भाई गाइस नीचे भी सारी की सारी बर्फ आ चुकी है। लगता है यार धीरे धीरे करके ना ये पूरा का पूरा मंदिर ना भी ढकने वाला है। अब इसको क्या बोलूं मैं यार यहाँ पे भी भाई 2400 भाई कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। लगता है गाइस यार कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली सीन हो रहा है। हाँ फ्रैंकलिन जब तुम नीचे वाली गुफा से जाओगे तो तुम इस वाली गुफा से निकलोगे। क्या इस वाली गुफा गए? और गाइस यार उसके बाद तो हमारे पास सीढ़ियों का रास्ता है, सीढ़ियों से चलते चलते कहाँ जाना है? और फ्रैंकलिन यहाँ पे और भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स है, इन सबसे बसते तुम्हें ये आइस केव के अंदर जाना है। क्या आइस केव? अबे इसमें क्या है? फ्रैंकलिन अंदर करो ड्रोन। अरे बाप रे ये क्या है गाइस? ये फेक भाई ये वो आइस वाला हल्कबस्टर सूट। क्या आइस वाला हल्कबस्टर सूट? गाइस ये तो एक आइस केव में रखा गया है, एक स्पेशल केव में। मुझे यार इस केव तक जाना जैसे ना तैसे करके जाना पड़ेगा और यार उस सूट को लाना पड़ेगा। पहले गाइस यार फटाफट से अपने ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। ये है फेक बे बुला लो यार। अबे ये आ गया मेरा ड्रोन। ये फेक बे चलो यार। अबे हाँ शिनचैन चल रहा हूँ। अरे ये क्या गाइस यार मैं इतनी ज्यादा तेज कैसे भाग पा रहा हूँ? अरे फ्रैंकलिन मैंने तुम्हारे को थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे दी थी यहाँ से आने से पहले। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो गाइस यार अभी फटाफट ना चली आगे चलते हैं गाइस। और इस वाले पूरे के पूरे आइलैंड पे ना चारों तरफ यार पता नहीं ये सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा दे रहे हैं और यार ये लोग मेरे को देख क्यों नहीं पा रहे? अरे फ्रैंकलिन ये 100 मीटर से ज्यादा देख नहीं सकते। अच्छा ऐसा है क्या? गाइस ये तो अपनी बहुत ही अच्छी बात हो गई, अभी चली से। ओए ये क्या है? ये फेंक में तुम तो बहुत तेज जंप लगा रहे हो। अरे बाप रे ये क्या? ओए मैं अपने हाथ से रस्सी कैसे फेंक पा रहा हूँ? अरे फ्रैंकलिन ये मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें शक्ति दी है, जल्दी से करो वरना ये शक्ति भी चली जाएगी। अबे नहीं शक्ति को मैं जाने थोड़ा ना दूंगा।
करूंगा। लेट्स गो। अरे अरे अरे, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ये आ गया। हो पॉप रे, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। और अभी मैं भाई मुंह के बिल्कुल पास आ चुका हूँ। यहाँ पे तो गाइस एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। अरे पॉप रे यार, अभी क्या करूँ मैं? अब कल वे कुछ ना कुछ करके तो अंदर जाना ही है ना बे। अबे हाँ हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा गाइस, अभी यहाँ से जंप लगाते हैं और ये आ गया मैं ऊपर। अब कल वे बहुत अच्छे बे, ये फेंक बे, चलो यार दरवाजे के अंदर। अरे पॉप रे गाइस, ये लोग कह रहे हैं कि वो सामने ही है यार ऊपर जाने का दरवाजा, मेरे को तो लग नहीं रहा। चलो गाइस यार, अभी फटाफट उस दरवाजे से ना चली से अंदर चलते हैं। एक मिनट, अरे यार गाइस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर यार वो मेरे सूट तक मैं पहुंचा नहीं ना तो ये सारे के सारे गार्ड मिलकर मार देंगे। अब कल वे चल चल इसके अंदर। अबे चल रहा हूँ, रुक जा रुक जा। अबे बाप रे गाइस, चलो फाइनली मैं बाहर तो आ गया। ये फेंक बे, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अबे शिनचैन तुझे बहुत अच्छी की पड़ी है। गाइस यार एक बार अपनी आंखों के सामने तो देखो, यहाँ पे गाइस कितने सारे गार्ड्स खड़े हैं। एक मिनट, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा ना। ओके गाइस यार, इस साइड कोई नहीं देख रहा। अगर यार इस साइड ये लोग देख रहे होते ना तो ये लोग मेरे को भून डालते अब तक। ओ बाप रे गाइस, ये गार्ड्स ना बहुत ज्यादा आगे तक खड़े हुए हैं। मुझे ना जल्दी जल्दी छुपके छुपके और आगे जाना पड़ेगा। ये फेंक बे, छुपके छुपके यार। अबे हाँ शिनचैन, अगर गाइस यार किसी गार्ड को भनक लग गई ना कि मैं यहाँ से छुपके छुपके आगे जा रहा हूँ तो यार वो सारे के सारे गार्ड्स को बता देगा और उसके बाद तो मेरी बैंड बजना तय यार। अब कल वे सही कर बे, ये फेंक बे, बहुत अच्छे यार, चलते रहो ये छुपके छुपके। अरे पाप रे, ये क्या करा गाइस मैंने, बेमतलब में जंप लगा दी यहाँ पे। अगर गाइस कोई देख ले तो ना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाती। अब कल वे बहुत अच्छे, चल चल ऊपर चल। ओ पाप रे, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो चलो गाइस। और अभी मैंने वो वाले गार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया, बस मुझे ना ऊपर जाना है और जैसे तैसे करके उस वाले सूट को हासिल करना है। ये है फेंक बे, जंप लगाओ। अरे रुक जा, ये लगाई जंप मैंने। अरे बाप रे, ये क्या है गाइस, यहाँ पे तो और भी ज्यादा गाइस सिक्योरिटी है। मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ चढ़ के वहां पे जाना पड़ेगा। अगर गाइस सामने वाले रास्ते से जाएंगे ना तो ये गार्ड्स मुझे देख लेंगे और यार बहुत बड़ा वाला कलेश हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो 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 गाइस, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ये फेंक भाई चढ़ो इधर। अबे रुक जा। ओ गाइस चलो अच्छा है ना, यहाँ पे कुछ पत्थर थे जिनके ऊपर अब मैं अपना कंट्रोल जमा सकता हूँ। चलो चलो चलो, अभी गाइस फटाफट से ना ऐसे छुपके छुपके चलते हैं और जल्दी से गाइस उस केव के अंदर से ना अपने हल्क बस्टर सूट को लाते हैं। देख रहे हो यार मैं कैसे इनके ऊपर से जा रहा हूँ और ये लोग मेरे को देख तक नहीं पा रहे। ये फेंक बे, बहुत अच्छी है, चलते रहो। अबे हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, रुक जा रुक जा। ये अरे 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 गाइस, नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं। ओ बाप रे, ओ भाई साहब गाइस, अभी फाइनली मैं बिल्कुल यार सूट के ऊपर आ चुका हूँ। अगर यार जरा सी भी गलती होती ना तो मैं डायरेक्ट नीचे गिर जाता, लेकिन यार मैंने चैफे ना तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये फेंक बे, वो देखो ये रहा सूट। अरे बाप रे गाइस, इस सूट को कितनी ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था इनके द्वारा। लेकिन यार कोई नहीं, अभी चलो यार फटाफट से ना जल्दी से इस सूट को पहनते हैं और यार इन सारे गार्ड्स की बैंड बजा के फटाफट सूट को लेके निकलते हैं। गाइस लुक एट दिस, ये क्या है यार? ये फेंक बे, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार ये सूट में। और बाप रे, अबे यार शिनचैन ये सूट तो बहुत ओपी है यार। अबे अंकल वे सही कह रहे बे। अरे ये क्या, इसने तो हमारा सूट पहन लिया। अरे हल्क बस्टर सूट वापस दे। अबे क्या हल्क बस्टर सूट चाहिए, ये लो तुम्हारी पैस की। ओ गाइस यार ये सूट तो बहुत ही ज्यादा ओपी है, इसके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। ये फेंक दे, सबके बैंड बजा दो। अबे रुक जा रुक जा, एक तो गाइस यार आप लोग देख रहे हो ना इस सूट के अंदर भाई, ये पूरा का पूरा सूट गाइस है बर्फ का बना हुआ है। अब अंकल वे ये क्या कर रहा है बे? ये फेंक दे, क्या कर रहे हो? अबे रुक जा, अभी इन सबकी बैंड बजाता हूँ, निकलो यहाँ से। अरे बाप रे ये क्या है? अरे जल्दी से सर को कॉल करा। अबे सर को कॉल करोगे, निकलो यहाँ से। ओह गाइस यार आप लोग देख रहे हो ना, मैं तो गाइस यार पूरा का पूरा आइस वाला हल्क बस्टर बन चुका हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छे यार, अभी देख रहे हो इसको तो मैंने बर्फ में जमा दिया। अभी गाइस यार यहाँ से मुझे कुछ लोग मार रहे हैं, इनकी तो सबकी बैंड बजा दूंगा मैं। अब जमा दे सबको। अबे रुक जा, ये आ जाओ तुम्हारी प्यार की, जो भी सामने आएगा ना सबको जमाते हुए निकलूंगा मैं। अब कल वे बहुत ही बढ़िया बे, यह फेंक दे, तुमने तो इन सबकी बैंड बजा दिया यार। अबे हाँ शिनचैन, अभी तो रुक जा, अभी तो मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया। ये ले। ओके गाइस यार चलो चलो फटाफट नीचे चलते हैं। अब कल वे बहुत अच्छे, यह फेंक दे, बहुत बढ़िया। अबे ये ले सबको जमा दूंगा, जो जो मेरे रास्ते में आएगा ना सबकी बैंड बजा दूंगा। और बॉब फ्रैंकलिन तुमने तो कमाल कर दिया इस सूट को लेके। अबे और नहीं तो क्या, देखो गाइस यार अभी सारे के सारे बंदों को जमा दिया। अरे बाप रे ये ले, अबे तू भी ले। राइट चलो गाइस यार अभी फाइनली यार सारे के सारे सूट्स को जमा दिया। अबे भाई टोनी स्टार्क फटाफट मुझे दूसरे यूनिवर्स में भेज यार। अरे वाह फ्रैंकलिन रुको, तुम्हारे को दूसरे यूनिवर्स में भेजते हैं। अरे बाप रे गाइस, ये कहां जा रहा हूं मैं।
आउच आउच आउच। एक तो गाइजर, ये टोनी स्टार्क का समझ नहीं आता, पता नहीं गाइजर कहीं पे भी उठा के पटक देता है। ओ, ये फैक्ट बैब, ये कौन सा डायमेंशन है? अबे मुझे क्या पता गाइज, ये कौन सा वाला डायमेंशन में फेंकता है इसने मुझे। ओ भाई साहब, ये तो गाइस यहाँ का मिलिट्री बेस लगता है। ये फैक्ट बैब, तुम्हारा आई सूट कहाँ है? अरे हाँ वो टोनी, आई सूट कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन, वो यहाँ पे आ जाएगा, जब भी तुम कोई सूट कलेक्ट करोगे वो हमारे डायमेंशन में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? अरे बापरे, ये सब क्या हो रहा है गाइस? एक मिनट रुको यार, मैं आपको कैमरे में जूम करके दिखाता हूँ। गाइस यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ भाई साहब, गाइस लुक एट दिस, देख रहे हो आप लोग? मुझे तो गाइस कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लगता है यार मुझे ना अपने ड्रोन को लॉन्च करके ही देखना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ओ यार फेंक बे, देखो देखो यार। अरे बाप रे गाइस, ये इतने सारे पत्थर क्या कर रहे हैं? अरे फ्रैंकलिन, यहाँ पे फायर सूट की माइनिंग चल रही है, हल्क बस्टर फायर सूट। क्या हल्क बस्टर फायर सूट की माइनिंग? हाँ फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही सुना तुमने। यह फेंक बे, ये है क्या यार? अबे मुझे क्या पता। ओ भाई साहब, गाइस यार यहाँ तो इन्होंने पूरी की पूरी गुफा खोद डाली है, पता नहीं गाइस आखिरकार हो क्या रहा है। एक मिनट रुकना, और फ्रैंकलिन चलते रहो सीधा। अबे हाँ हाँ चलते रहो। गाइस यार यहाँ पे तो भाई जोरों शोरों से माइनिंग चल रही है। ओए ये सब क्या है? और फ्रैंकलिन, यही है हल्क बस्टर द फायर सूट। क्या ये है क्या वो हल्क बस्टर फायर सूट जो गाइस यार मुझे यहाँ से लेके जाना है? ओ भाई साहब, गाइस इस सूट में तो कितनी ज्यादा फायर की शक्ति है, इससे तो यार हम अल्ट्रॉन की बैंड बजा देंगे। लेकिन गाइस यार ये सूट तो बहुत ही ज्यादा निगरानी में रखा गया है। ये है फेक बैब, जाओगे कैसे? अरे भाई साहब ये सब कौन है? गाइस यार यहाँ पे तो दो कर्नल्स भी खड़े हैं, और यार ये देख रहे हो कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं। अरे यार शिनचैन क्या करूं मैं, ये फेक बैब करना तो पड़ेगा यार। अबे हाँ हाँ करना तो पड़ेगा। एक मिनट, ओ भाई साहब ऊपर गाइस यार हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं, अगर गाइस उन्होंने मेरे को देख लिया ना तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार क्या करूं मैं शिनचैन? ओ यार फेंक बे, हेलीकॉप्टर से बच बच के नीचे जाओ। अबे क्या नीचे जाऊं? एक सेकंड रुक जा, ये आ गया मैं नीचे। ओ बाप रे गाइस, सामने भी एक मिलिट्री वाला खड़ा है। ओ भाई इसने गाइस मुझे देखा तो नहीं है ना? नहीं गाइस यार इसने मुझे देखा नहीं है। मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला आईडिया है, मैं ना गाइस यार इसके कपड़े पहन के ना उस वाली केव तक जा सकता हूं, और एक बार मैं अगर उस केव तक जाऊंगा ना तो गाइस मैं इजीली यार उस वाली सूट तक भी जा पाऊंगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी गाइस यार मुझे चैफिनत ऐसे करके एक मिलिट्री वाले को मार के बेहोश करना ही पड़ेगा, लेकिन गाइस अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो 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 गाइस अभी भाग ही चलते हैं। ऑलराइट लेट्स गो यार, अभी मैं यहां तक आ गया हूं, लेकिन गाइस यार मैं इसके पीछे कैसे जाऊंगा? अब कल वे जाना तो पड़ेगा बे। अबे रुक जा ओ बाप रे, गाइस आगे की साइड ना और भी ज्यादा मिलिट्री वाले खड़े हैं, अगर उन्होंने मेरे को देख लिया तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। यार फेंक भाई यहाँ से कैसे निकलोगे? अरे वो खड़ा वो सामने। अरे यार रुको 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 गाइस यार, एकदम बिल्कुल दबे दबे पाव जाएंगे ना, कोई हमारे को देख नहीं पाएगा। अब कल वे बहुत अच्छे भाई चलते रहे। यार फेंक भाई बहुत अच्छे यार बहुत अच्छे, एक गार्ड वहाँ पे भी खड़ा है। अरे हाँ एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है और एक आर्मी वाला यहाँ पे खड़ा है। गाइस यार कौन से वाले को बेहोश करूँ? मैं तो सोच रहा हूँ यार जो पीछे वाला खड़ा है ना इसको बेहोश कर देते हैं, और इसके कपड़े पहन के ना हम उस केव तक जा पाएंगे। अब कल वे बहुत अच्छे चलता रहे। अबे हाँ हाँ चल रहा हूँ। एक सेकंड, लेट्स गो। गाइस यार देख रहे हो कितने ज्यादा रिस्की काम है यार ये, हमें उस केव तक जैफनत ऐसे करके जाना पड़ेगा। एक मिनट, ऑलराइट लेट्स गो गाइस यार, अभी ना मैं बिल्कुल सेट आ गया हूँ इसके पीछे। लेट्स गो, अभी यार इसको बस बेहोश करना है मुझे। ये फेंक बे, हाँ यार सही कह रहे हो। और फ्रैंकलिन चलो चलो इसको बेहोश करो। अबे हाँ हाँ कर रहा हूँ गाइस, एकदम छुपके। और ये आ गया, ये ले। ओके गाइस चलो फाइनली इसको बेहोश कर दिया। अभी यार यहाँ पे कोई आया तो नहीं ना? नहीं गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सामने ये दिख रहा है ना, इसके अंदर ही इसके कपड़े बदल लेता हूँ। अब कल वे बहुत अच्छे उठा ले पे। अबे उठा लिया, ये आ गया। ओके लेट्स गो बस इसको यार किनारे तक लेके जाना है मुझे, और जैसे तैसे करके इसके कपड़े बदलने हैं। गाइस यार कोई देख ना ले यार मुझे, अगर गाइस यार किसी ने देख लिया ना तो मैं इसी डायमेंशन में एक कैदी बन के रह जाऊंगा। अब कल वे ये का कर रहा है, जल्दी कर। अबे कर रहा हूँ। ओके भाई यार एकदम सेट जगह पे खींचा मैंने इसको। अब कल वे और पीछे ले जा। हाँ और पीछे लेके जा रहा हूँ। ओके गाइस यार ये बिल्कुल सही जगह है, अब इसको यहाँ पे रखते हैं। और एक तो हेलीकॉप्टर पे ऊपर घूम रहे हैं गाइस, अगर ये हेलीकॉप्टर ने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स गो, अभी चलो गाइस फटाफट ना इसके कजरली से कपड़े उतार के अपने आप को पहन लेते हैं। गाइस चलो फाइनली यार मैंने ना उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और गाइस उसके कपड़े पहन लिए। अब तो यार मुझे कोई भी पहचान में नहीं आएगा। गाइस यार मेरे को कोई बता नहीं सकता कि मैं नॉर्मल
मैनू, मैं तो गाइस यार अब एक मिलिट्री ऑफिसर बन गया, लेकिन यार मुझे और ज्यादा डर लग रहा है अब। गाइस यार चलो 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 अभी फटाफट से ना चली से गाइस यार उस केव के पास चलते हैं। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं वो केव के पास बोला था, मेरे को ओ सर का कॉल आया था, वो कह रहे थे केव के पास बुला रहे थे मुझे। अच्छा क्या, केव के पास जा रहे हो? चलो ठीक है, जाओ जाओ। तुम्हें पता है ना इस केव के पास बहुत सारे कुर्स पैटियां आने वाली है, इसलिए हम सबको तैनात करा है, हमें बहुत ज्यादा चुकन्ना रहना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मुझे सब पता है, और तुम टेंशन मतलब मेरे होते हो सकते कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता। गाइस यार इसको क्या पता यार, घुसपैठिया तो मैं ही हूँ। चलो 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 अभी छुपके छुपके आगे चलते हैं। देखो ना गाइस यार क्या बेव को बनाया मैंने भाई यार लॉस सैंटोस की मिलिट्री को। अरे मतलब ये लॉस सैंटोस की मिलिट्री नहीं है गाइस यार, ये पता नहीं कौन से डायमेंशन की मिलिट्री है। लेट्स गो, अभी यार हमें फटाफट से ना जल्दी से गाइस इस केव के अंदर जाके ना उस सूट को लाना पड़ेगा। अभी चलो 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 फटाफट चलते हैं। अरे गाइस यार यहां पे तो कर्नल वर्नल खड़े हैं, कई यार ये लोग मेरे से यार सवाल ना पूछने लग जाए। चलो यार अभी फटाफट से अंदर चलते हैं। चलो 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 कुछ बोल तो नहीं रहे ना? अरे नहीं, अरे कहां जा रहे हो तुम? अरे मेरे को अंदर बोला है कर्नल साहब ने जाने के लिए। अच्छा एक मिनट को, मैं कर्नल साहब से पूछता हूं। अरे भाई पागल है क्या, क्यों पूछ रहा है? अरे तुम यहीं पे खड़े रहना, मैं पूछ के आता हूँ सर से, ठीक है ना? अरे गाइस ये तो पूछने चला गया। हेलो सर, आपने किसी को बोला था क्या अंदर जाने के लिए? ए, क्या अंदर जाने के लिए? हमने किसी को नहीं बोला। कौन बोला अंदर जाने के लिए? अरे सर वहाँ पे एक ऑफिसर आया जो अंदर जाने की कह रहा है। कौन है वो ऑफिसर? उसकी आईडी चेक करो। एक मिनट रुको, पहले मैं इससे बात करता हूँ कौन है ये। अरे कौन हो तुम, कैसे जा रहे हो अंदर? किसने बोला तुम्हें अंदर जाने के लिए? जल्दी बताओ मुझे, वरना तुम्हें यहीं बूंद दिया जाएगा। सर मैं तो अंदर चाय पानी के लिए पूछने जा रहा था, वो ऊपर से ऑर्डर आया था ना, वो लोग सुबह से काम कर रहे हैं। क्या चाय पानी के लिए? अच्छा तो ये गन का क्या काम है उसमें? गन यही रख के जाओ। हाँ हाँ गन तो मैं यही रख देता हूँ, एक मिनट को गन यही रख देता हूँ। अरे ऑफिसर गन लो इसकी। गन तो हाँ हाँ ये लो गन ले लो। हो गाइस चलो फाइनली यार गन दे दी। अरे सर अब मैंने गन दे दी, अब तो जा सकता हूँ ना मैं अंदर? अरे हाँ जा तो सकते हो, लेकिन उससे पहले अपनी आईडी चेक कराओ। पहले मैं जानू तो तुम की यहीं के ऑफिसर हो या कहाँ के हो? आईडी चेक कराओ फटाफट। अरे क्या आईडी तो सर मेरी वहाँ पे पड़ी है, वही मेरी चाय जहाँ पे मैं बनाता हूँ वहीं पे पड़ी है। अच्छा वहीं पड़ी है, ठीक है जाओ पूछ के आओ फटाफट से। ओ गाइस यार आज तो मैं बार बार बच गया। गाइस अगर यार ज्यादा सवाल जवाब होते ना तो मेरे को ये वाले कर्नल साहब यहीं रुकवा लेते। ओ भाई साहब गाइस और देख रहे हो यहाँ पे तो गाइस सच्ची में कोई सूट्स की माइनिंग चल रही है, और यार देख रहे हो इस वाली केव में कितने सारे क्रिस्टल्स हैं। ओ ये फेंक भाई ये केव तो बहुत बढ़िया लग रही है। अबे शिनचैन हाँ यार सही कह रहा है, ये केव तो बहुत ओपी लग रही है। लेट्स गो गाइस यार अभी फटाफट आगे चलते हैं। ओ भाई साहब गाइस यार देखो वो है वो वाला सूट जो मेरे को यहाँ से लेके जाना है। ओ माय गॉड यार इसके पास तो कितनी गर्मी लग रही है शिनचैन। अरे यार मैं तो थक गया सुबह से। अरे तुम कौन हो, तुम क्या करने आए यहाँ पे? जल्दी से बताओ, आगे से तुम्हें परमिशन मिली यहाँ तक आने के लिए? यहाँ पे खाली स्पेशल ऑफिसर जा सकते हैं। अरे हाँ हाँ मैं आगे से पूछ के आया हूँ कर्नल साहब से, उन्होंने बोला है कि ये सूट के पास कुछ गिर गया है वो साफ करके आना है। अच्छा ठीक है तुम दो मिनट रुको, मैं आगे से पूछ के आता हूँ, उसके बाद ही आगे जाना, वरना तुमने अगर ऐसा किया तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं सर। क्या मतलब मैं ऐसे नहीं जा सकता क्या? नहीं तुम्हें नहीं पता क्या? रुको यहीं पे खड़े रहना, मैं पूछ के आता हूँ सर से, पता नहीं कौन सा ऑफिसर है, पहले मैं पूछ के आऊँ सर से वरना मेरी नौकरी पे खतरा आएगा। अरे बाप रे गाइस देखो यार वो जा रहा है बाहर पूछने के लिए, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। गाइस यार जब तक ये पूछ के आएगा जब तक तो मैं सूट ही पहन लूंगा। चलो 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 फटाफट पहनते हैं। ये फेंक भाई तो बहुत ओपी है। अबे हाँ ये तो बहुत ओपी है, लेट्स गो अभी फटाफट पहनते हैं। गाइस यार ये क्या है यार, ओ बाप रे शिनचैन चॉप फाइनली यार मैंने तो ये सूट पहन लिया। ये फेंक भाई तो बहुत ओपी है यार। अरे बाप रे गाइस ये लोग तो मुझे मारने लग गए। ये फेंक भाई पैंट पे जाते हैं सबके यार, अब बकल में मार में मार सबको। अबे बाप रे गाइस यार इनको पता नहीं है ये लोग किससे पंगा लेने वाले हैं। अब बकल में तूने तो पूरा भाई हल्बर्चर फायर सूट पहन लिया। अबे रुक जा शिनचैन ये ले तेरी पैंट की। ये फेंक भाई तुमने तो इन सबकी पैंट बजा देनी है। अबे हाँ शिनचैन ये ले ये ले ये ले। गाइस यार मेरी जो शक्ति है ना अब वो बहुत ज्यादा विकसित हो गई है। अब बकल में ये क्या किया बे? ये फेंक भाई ये क्या यार? और फ्रैंकलिन जल्दी हराओ इन सबको। अबे हाँ हाँ अभी हराता हूँ, ये लोग वैसे भी मेरे आगे का ही टिक पाएंगे। आ जाओ बच्ची लोग जल्ला दूंगा सबको। ये फेंक भाई ये क्या यार? ओ भाई ये है भाई हमारी स्पेशल पावर, ये लो। हो पॉप रे गाइस यार
मैं तो अपने हाथों से यार देख रहा हूँ गोले बम फेंक सकता हूँ और यार इनसे सबकी बैंड बजा दूंगा। यार फेंक दे बहुत अच्छे यार। अब कलवे ये कैसे किया बे? यार फेंक दे सबको मेरे। अबे रुक जा शिनचैन, अभी भी गाइजर यहाँ पे बहुत सारे हैं, आ जाओ बच्चा लोग सबको जला राख कर दूंगा। अब कलवे बहुत ही ओपी बे। यार फेंक दे, तुमने तो इन सबको जला दिया यार। अबे और नहीं तो क्या, देख रहे हो गाइजर इन सबकी क्या बैंड बजा रहा हूँ मैं, अभी मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अब कलवे बहुत अच्छे बे। यार फेंक दे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फ्रैंकलिन जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पोर्टल खोल दिया। अरे रुक जा ये टैंक भी लेके आ गए हैं, अभी गाइस इनके टैंक को भी जला दूंगा। अब कलवे बहुत बढ़िया। और फ्रैंकलिन जल्दी आओ पोर्टल से। अबे हाँ आ रहा हूँ गाइस, कहाँ है वो पोर्टल? अरे गाइस वो पोर्टल तो ऊपर चला गया, मैं नीचे गिर गया। और फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, वो ज्यादा देर नहीं खुला रहेगा। अबे हाँ आ रहा हूँ ये ले। ओके गाइस अभी मैंने सूट को कंट्रोल करना सीखा और फाइनली मैं आ गया, लेट्स गो, चलते हैं पोर्टल के अंदर। अरे बाप रे, अब कहाँ गिर रहा हूँ मैं? ये फेंक भाई, ये कहाँ गिर गए तुम? अबे मुझे क्या पता गाइस, यार ये टोनी स्टार्क का बच्चा ना किसी दिन मेरे को जान से मरवा देगा। अबे ये सब क्या है, यहाँ पे इतनी सारी कार्स क्या कर रही है? अब कलवे हमें क्या पता बे। और फ्रैंकलिन यहाँ पे एक रैम चैलेंज होने वाला है, अगर तुम इस रैम चैलेंज को जीतोगे तो तुम्हें मिलेगा मेरा अर्थ एलिमेंटल वाला सूट। क्या, अर्थ एलिमेंटल वाला सूट? हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही, अर्थ एलिमेंटल वाला सूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इन तीनों सूट को मिला के ही बनेगा द यूनिवर्स हल्क बस्टर सूट। अबे यार तो अब ये रैंप चैलेंज करूं क्या? हाँ फ्रैंकलिन जाओ जल्दी गाड़ी में। अबे चल ठीक है जा रहा हूँ, लेट्स गो गाइस। और अभी कौन सी गाड़ी लें, ब्लैक वाली या ग्रीन वाली? वैसे यार डंकी वाली तो मेरे को ब्लैक वाली लग रही है क्लासी। चलो अभी फटाफट बैठते हैं और चलिए गाइस इसको कंप्लीट करते हैं। अब कलवे चल बे। अबे हाँ चल रहा हूँ लेट्स गो गाइस। अभी फाइनली यार मैंने ना अपनी गाड़ी को रैंप पे कुदा दिया है, लेट्स गो। अभी यार फटाफट से ना जल्दी से यार इसको कंप्लीट करते हैं गाइस। यार एक मिनट, ओ भाई क्या ड्रिफ्ट लगाई है गाइस मैंने। अगर गाइस यार ये वाला रैंप चैलेंज मेरा रह गया ना तो मेरे लास्ट वाला फाइट यार अर्थ एलिमेंटल सूट रह जाएगा। अब कलवे सही कह रहा है, नहीं रहना चाहिए, कुछ भी चलता रहता। अबे हाँ चल रहा हूँ। एक तो गाइस यार जो रास्ते है ना वो बहुत ही ज्यादा वो वाले हैं। अरे यार इधर से जाना है, इधर से जाना है। अबे हाँ जा रहा हूँ। एक सेकेंड, ओके गाइस यार अभी घूम गई मेरी गाड़ी। अब कलवे क्या कर रहा है, ऊपर जाना है? अबे क्या यहाँ से ऊपर जाना है क्या? एक सेकेंड रुको, चलो गाइस यार अभी फटाफट जल्दी से यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ से क्या, यहाँ पे तो यार बहुत ही ज्यादा ओपी वाले मॉन्स्टर ट्रक खड़े हैं। चलो यार अभी फटाफट से ना जल्दी से एक आधे ट्रक में बैठते हैं और इसको आगे तक कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस यार अभी फाइनली यार मैं ना मॉन्स्टर ट्रक में बैठ चुका हूँ, अभी चलो इसको ना जल्दी आराम से कंप्लीट करते हैं गाइस यार। अगर हमने जल्दबाजी करी ना तो ये मॉन्स्टर ट्रक कंट्रोल में नहीं आता, डायरेक्ट हम नीचे गिर जाएंगे। अब कलवे सही कह रहा है, चलता रहे आराम से। अबे हाँ चल रहा हूँ, लेट्स गो, मुश्किल वक्त कमांडो सक। ये फेंक दे बहुत बढ़िया यार, घुमा ले इसको। ये घुमाया मैंने, ओके। अरे यार यहाँ पे ये ले। अब कलवे बहुत अच्छे बे, चलता रहे। ये फेंक दे, तुम तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हो यार। अबे हाँ शिनचैन बहुत अच्छे से। एक मिनट, लेट्स गो, ब्रेक। हु बाप रे, अभी तो गाइजान में नीचे गिर जाता, लगता है यहाँ से मुझे एक लंबी जंप लगानी पड़ेगी। ये लगाई मैंने। अब चल बे, ये फेंक दे, क्या बची है यार? अबे बाप रे गाइस यार, बच गया। एक तो गाइस यार ये जो स्पाइडरमैन की मुंडी वाला ट्रक है ना ये कंट्रोल्स में नहीं आता। अब कलवे बस चलता रहे बे, सब कर लेगा तो। ये फेंक दे बहुत अच्छे। अरे रुक जा, ब्रेकिंग करनी पड़ेगी नीचे नहीं। ओके लेट्स गो गाइस, अभी जैसे तैसे करके कंट्रोल किया मैंने। अभी यार जल्दी से यहाँ से बाइक उठाते हैं और इसको आगे कंप्लीट करते हैं। चलो यार, अब कलवे तू कर लेगा बे, मुझे पता है। और वाह फ्रैंकलिन, तुम तो बहुत ज्यादा आगे आ गए हो, चलो ऐसे ही करते रहो। अबे तू तो बोलेगा ही ना। नहीं, अरे बाप रे गाइस, जिस चीज का डर था वो ही हो गया यार। अब कलवे ये क्या किया बे? ये फेंक बे, ये क्या, तुमने तो आधे रैंप ऐसे कर दिया। अरे बाप रे गाइस यार, अभी देख रहा हूं मैं कितना ज्यादा आगे आ चुका हूँ यार अपनी टेक्निक से। अब कलवे गिरियो मत बे, ये फेंक बे बहुत अच्छे। और ये आ गई फर्स्ट पोजिशन और ये आ गया मैं। अब कलवे बोट उठा ले। बाप रे गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा आगे आ गया हूँ। लेट्स गो यार, अभी फटाफट से मुझे बोट उठानी है और चलिए से गाइस इस जेट स्की से इसको कंप्लीट करना है।
अबे चल बे चल, यार फेंक बे बहुत अच्छे यार। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, अभी तो गाइजर मुझे बस यहाँ से घूमना है और ये निकला मैं। अबे बहुत अच्छे बे, यार फेंक बे, ये क्या तुम तो फायर हो गए। अबे यार नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं दोबारा चला जाऊंगा, ये आ गया मैं। अबे कलवे बहुत ही बढ़िया, चल चल घुमा ले। अरे बाप रे, ये क्या ये क्या ये क्या, नहीं 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 गाइजर, हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, अभी हमें ट्रैक ठीक करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो यार, अभी फाइनली हमारा ट्रैक सीधा हो चुका है। अभी यार गाइस बस ये होने वाला है, बस थोड़ा सा और रह गया है। अब कल वे हो जाएगा बे। अबे हाँ हाँ, कोशिश तो पूरी है, ये निकल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गाइस यार ये क्या, मैं तो पानी में डूब गया यार। अब कल वे चलिए, ऑलराइट ओके 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 गाइस, और जैसे तैसे करके मैं आ तो गया हूँ, अभी मेरे को यहाँ से फुल बूस्ट में अपनी जंप लगानी पड़ेगी। अब कल वे पहुंच गया बे, ये फेंक बे बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब गाइस, और लगता है ये वो फाइनली अर्थ एलिमेंटल सूट। चलो गाइस अभी फटाफट इसको पहनते हैं और चलिए से गाइस लेके चलते हैं। गाइस लुक एट दिस, अभी यार फाइनली मैंने ये अर्थ एलिमेंटल सूट पहन लिया है, और गाइस ये तो बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है यार। यार फेंक दे, ये क्या किया। और बाप रे गाइस, और लगता है मैं इस सूट से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे गाइस यार हम आयरन मैन के सूट से कंट्रोल कर सकते थे एलिमेंटल वाले। अब कलवे ये तो सेम पावर है। अरे नहीं नहीं नहीं, पानी में क्यों गिर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड गाइस ये क्या, अरे मैं डूबा क्यों नहीं। ये फेंक दे क्योंकि तुम्हारे पास वाटर की भी शक्ति है ना। अरे बाप रे गाइस, मतलब ये सूट तो बहुत ज्यादा ओपी है। अभी आयरन मैन चल चल मुझे वापस बुला ले। अरे वाओ फ्रैंकलिन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, चलो वापस आओ। ये फेंक दे वेलकम होम। अबे क्या वेलकम होम, अरे बाप रे गाइस मैं तो वापस आ गया यार एवेंजर्स टावर। अरे फ्रैंकलिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, आखिरकार तुमने तीनों एलिमेंटल सूट्स कलेक्ट कर लिए। अरे क्या, अरे बाप रे गाइस ये तो वही तीनों एलिमेंटल सूट्स है ना जो मैं वहां से चोरी करके लाया था। गाइस और ये सूट्स ना बहुत ज्यादा काम किया है। ओए जल्दी से जा, और कौन सा यूनिवर्स सूट बना रहा है जल्दी बना, और हम अल्ट्रॉन की पैंट बजा के उसे वापस भगाएं। अरे हाँ फ्रैंकलिन, क्यों नहीं अभी रुको, मैं इन तीनों सूट्स की पावर को बना के एक बनाता हूँ एलिमेंटल सूट तुम्हारे लिए, और उस सूट से तो अल्ट्रॉन का कोई नहीं बच सकता क्योंकि उसकी शक्ति बहुत खतरनाक होगी। यार बहुत अच्छे बना बना। अरे हाँ रुक जाओ रुक जाओ, चलो यार अभी फटाफट से मैं वो सूट बनाता हूँ। ओ माय गॉड गाइस, ये कौन सा सूट है। अरे फ्रैंकलिन ये हल्क पर्सर द यूनिवर्स सूट। यार फेंक बे, तो बहुत ओपी है यार। अब कल हुआ ये तो बहुत ही ओपी है बे। अरे बाप रे गाइस, लिटरली में यार ये सूट तो यार सच में बहुत ओपी है। इस सूट से तो यार मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। हाँ फ्रैंकलिन जाओ और फटाफट अल्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पे मार के लेके आओ। अबे रुक जा, अभी देख मैं अल्ट्रॉन के साथ क्या करूंगा। गाइस और लुक एट दिस, इस सूट में तो क्या रिपल्सर्स लगे हैं, मतलब मैं तो बहुत तेज उड़ सकता हूँ। यार फेंक बे, ये क्या है। ओ भाई साहब गाइस, मैं कितनी ज्यादा तेज उड़ा यार, और देख रहे हो मेरे पास तो गाइस पूरे के पूरे सूट में बिजली कटक रही है। अरे एक मिनट रुको गाइस, इस वाले सूट से ना एक बार रिपल्सर्स यूज करके देखते हैं। यार फेंक बे, ये क्या किया। ओ भाई साहब गाइस, इस वाले सूट से तो वो बच ही नहीं पाएगा अल्ट्रॉन का बच्चा, क्योंकि यार इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा तगड़ी है। लेट्स गो, अभी यार फटाफट चलते हैं और चलिए से गाइस उस अल्ट्रॉन के बच्चे की बैंड बजाते हैं। यार फेंक बे चलो यार। अबे जा रहा हूं, लेट्स गो अभी फटाफट चलते हैं और उसकी ऐसी कम तैसी करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी फाइनली यार जहां पे अल्ट्रॉन था ना, मेरे को उसकी लोकेशन आ चुकी है। अभी गाइस यार वो यहीं कहीं पे था। अबे अल्ट्रॉन के बच्चे बाहर निकल, तेरी तो भैंस की टांग बहुत हो गया तेरा, कहां पे है तू। अरे किसने बुलाया मुझे मेरे एरिया में आके मुझे के ऊपर। एक मिनट रुको, इसकी तो भैंस की टांग। ओ तो ये तो ओए टोनी, तू जिंदा है क्या, तू बच गया था, लगता है तू तो मर के ही मारेगा। तुझे क्या लगा तू इस खटारे सूट से मुझे मारेगा। अबे ओए ये खटारा सूट नहीं है, ये ना हल्क बस्टर सूट है, बहुत हो गया तेरा, अब तेरे तो उल्टे दिन शुरू हो गए। ओ मुझे मारेगा तू, है कौन है तू, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। अबे मैं फ्रैंकलिन हूँ। अभी गाइस और देख रहे हो हम दोनों आपस एक दूसरे के सामने खड़े हैं ना। अबे अल्ट्रॉन मैं तेरे को कह रहा हूँ वापस चला जा तू। अच्छा और ना जाऊं तो क्या करेगा तू, ये ले आजा कर ले बेटा दो दो हाथ, गया तू तो मेरे हाथों से, आजा मरेगा तू मेरे हाथों से, ये ले तुझे पता नहीं है मैं कितना खतरनाक हूँ, आजा। अरे बाप रे गाइस ये तो पागल हो गया यार। ये फेंक बे मारो इसको। और फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो, मारो इसे, तुम्हारे पास भी तो रिपल्सर्स है, सूट है, यूनिवर्स सूट की बेइज्जती करा रहे हो। अबे रुक जा,
हो गई सारी हेगड़ी, अभी तेरे सूट को जला दूंगा। अरे क्या मेरे सूट को जलाएगा, पहले मेरे से लड़ तो ले। ये ले यार, फेंक दे, बहुत अच्छे मारे इसको यार, अब बकल वे खराब कर दे इसका सूट। अबे हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा, गाय सर अब इसका बहुत हो गया, अब इसको खत्म करना ही पड़ेगा। यार फेंक दे, सही कह रहे हो यार। अबे रुक जा, ये आ गया मैं। आजा बेटा बच्चे तेरा, अभी तो देख मैं तेरा क्या हल करूंगा। अरे अरे क्या मेरा हल करेगा, पहले मेरे से लड़ तो ले। तेरा पूरा सूट खराब कर दूंगा मैं, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। पास बहुत हो गया, ये ले। ये फेंक दे, बहुत अच्छे मारो यार। और पाप रे गाइस, मेरे सूट में कितनी ज्यादा तगड़ी वाली रिपल्सल्स आ चुके हैं। अरे ये कहाँ गया, अब बकल वे बहुत अच्छे मार बे। ये फेंक दे, तो हार ही नहीं मान रहा। आउच 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 गाइस यार, रुको रुको रुको, बहुत हो गया इसका, ये ले। अरे पाप रे, तुझे क्या लगा तू इन बचकांडी हरकतों से मुझे मारेगा। अबे तेरे को तो मैं खत्म करूंगा, एक मिनट रुक जा। गाइस यार मेरे को पानी के अंदर ज्यादा नहीं जाना। गाइस अगर ज्यादा सूट में पानी जाएगा ना तो मैं मर भी सकता हूँ। ये फेंक दे, बहुत अच्छे लड़े थे। अबे ये ले, अबे कल वे बहुत बढ़िया बे। और फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो? अबे तू मुझसे नहीं लड़ पाएगा कलवे, तू है तो नूबी ना। रुक जा। ओके गाइस अभी अल्ट्रॉन कहाँ गया, ये एक मिनट। ये फेंक दे, मतलब पीछे आपके। अबे गाइस ये कहाँ पे है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। अबे ये रहा, छुपके छुपके वार करता है, ये ले। अरे बाप रे, इतना तगड़ा घुसन। अबे अभी तो तेरे को और गंदा मारूंगा, ये ले ये ले ये ले। ये फेंक दे, बहुत बढ़िया यार। अबे कलवे क्या कर रहा है तू? अबे इसको खत्म कर दूंगा। गाइस यार देख रहे हो ना, अभी मैंने इसके ऊपर कितने सारे रिपल्सर्स मार दिया है। अरे बाप रे, मेरा सूट डैमेज हो रहा है। ये कर दिया। अबे ये ले ये ले ये ले ये ले। ओके गाइस अभी फाइनली देख रहे हो इसकी क्या बैंड बजाई है मैंने। ये फेंक दे, बहुत अच्छे यार। और बाप रे गाइस, लगता है अभी फाइनली जाके ना इसकी बैंड बज चुकी है। आप लोग तो देख ही सकते हो इसकी क्या हालत कर दिया मैंने। अरे हाँ फ्रैंकलिन, तुमने तो इसकी बहुत ही गलत हालत कर दी। अबे और नहीं तो क्या। अरे बाप रे, अरे छोड़ दे मुझे। अरे क्या कर रहा है, अबे निकल जाए यहाँ से। आगे से हमारे लॉस सेंटर्स के ऊपर आंख भी नहीं उठाई। बाकी गाइस अभी आप लोग तो देख ही सकते हो, मैंने फाइनली यार दी यूनिवर्स हल्क बस्टर सूट प्राप्त कर लिया है। और यार अभी आप लोग फटाफट कमेंट्स में जाके बताओ कि आप लोगों को मेरा ये वाला तगड़ा सा सूट कैसा लग रहा है। अगर गाइस यार ये वाला सूट या ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस होती है तो फटाफट कमेंट्स में जाके बताना। बाकी यार मैं शिनचैन चोप आपसे मिलेंगे ऐसी अगली ओपीसी वीडियो में। जब तक के लिए गाइस गुड बाय बाय बाय।